एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले भगवान गुरु नानक देव जी का, बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है, क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है, क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो दो रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपाड़ी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से, एक पत्र है देखिए,